हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कर रहे थे और आज हमारा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउसेस यानी कि शक्ति घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड दो लेयर की कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन लेयर होती है वो पोरस यानी कि उसमें टाइनी होल्स होते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन डीपली अंदर तक फोल्ड की गई होती है। These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. इन फोल्ड से सरफेस एरिया बढ़ता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके जिनसे एटीपी जनरेट होना है। एटीपी इज एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी का करेंसी होता है बॉडी के अंदर। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। काफी सारी केमिकल एक्टिविटीज चाहिए जो कि लाइफ के लिए जरूरी है, उनको होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पे जाना जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी एनर्जी जो एटीपी के अंदर स्टोर होती है उसे यूज करती है ताकि नए केमिकल कंपाउंड बनाए जा सके और मैकेनिकल वर्क किया जा सके। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से हटके ऑर्गेनल्स हैं इस सेंस में कि उनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? जहां पर प्रोटीन बनता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो अपना कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स सेल ऑर्गेनल्स केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। दो टाइप के प्लास्टिड्स हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो या तो व्हाइट सफेद रंग के होंगे या फिर कोई उनका कलर नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट्स क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे क्रोमोप्लास्ट हैं लेकिन जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स क्लोरोफिल पानी और CO2 की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा और भी अलग अलग पिगमेंट्स उसके पास होते हैं, जैसे कि येलो या फिर ऑरेंज पिगमेंट्स भी इसके पास होते हैं। ये आपके क्लोरोप्लास्ट की बात की गई है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड।
ल्यूकोप्लास्ट जिनका कलर या तो व्हाइट था या फिर कलरलेस प्लास्टिड थे, वो ऐसे ऑर्गेनल हैं जिसमें मटेरियल जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैनुल्स जो है वो स्टोर होता है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरियस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। जो क्लोरोप्लास्ट है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन यानी कि लेयर्स होती है जो कि एक मटेरियल में अटैच होती है जिसे स्ट्रोमा बोलते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होते हैं। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड के पास भी इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। ओके, तो ये हमारे पास आपकी क्लास तक का यही टॉपिक था। तो आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।